हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा से भी बढ़िया टेस्ट वाली चिकन कलेजी की रेसिपी। यकीन मानिए, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे। इसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि आप इसे ज़रूर दोबारा बना के खाएंगे। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम कलेजी और चिकन का हाट लिया है। हाट में आपको इस तरह से कट लगा देना जिससे वो तेल में फ्राई करने के वक्त फूटेगा नहीं। अब इसमें हल्दी डाल दें। मैंने यहाँ पे एक चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नींबू का रस लिया है। साथ में नमक ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। और इसे मिलाने के बाद कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए आप रेस्ट पे रखें। उसके बाद ही इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें तेल डालेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है। आप इसके जगह पे रेगुलर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे हम और तेल को अच्छी तरह से कढ़ाई में पहले हम फैला देंगे। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन कलेजी डालेंगे। इसे तेल में डालने के बाद इसे ढक दें। कभी कभी तेल ऊपर आने लगता है जिससे हाथ जल सकता है। कुछ सेकेंड मीडियम फ्लेम में ढकने के बाद इसे आप खोल लें और इसे अब हम मिलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे दोनों साइड से। आप देख सकते हो इस तरह से पलटते हुए आपको दोनों साइड से अच्छी तरह से इसे भूनकर निकाल लेना है। कलेजी अच्छी तरह से भून चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब सेम तेल में हम आधा टुकड़ा तेज पत्ता, छोटा सा दालचीनी डालकर मिला लेंगे। ये जो कलेजी का चिपका है वो इजीली निकल जाएगा हम जब प्याज भूनेंगे। मिर्च डाल दे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना स्पाइसी चाहिए। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे और साथ में नमक डाल देंगे जिससे प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। अब देख सकते हो प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। एक मीडियम साइज़ के टमाटर को आपको रफली काट कर डालना है। इसे अच्छी तरह से मिलाएं, उसके बाद इसे कवर कर दें और इसका फ्लेम लो कर दें ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाए। लगभग 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है, हम इसे मिला लेते हैं। मैंने इसे एक या दो बार मिला लिया था। अब देख सकते हो टमाटर पूरी तरह से गलने लग गया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए टमाटर का पेस्ट बना ले। अब इसमें हम लहसुन, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें अब हम ड्राई मसाला ऐड करेंगे। आधी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया का पाउडर और एक छोटी चम्मच चिकन मसाला डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे अब कवर कर देंगे और कवर करके इसे लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकने देंगे। लगभग 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो इससे तेल अलग होने लगा है और हमने जो पानी डाला था वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने जो फ्राई करके कलेजी निकाला था उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और मसाले के साथ इसे हम बिना कवर किए हुए कुछ देर के लिए भून लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे। आपको बस इसमें 8-10 चम्मच कितना बस पानी डालना है और इसे अच्छी तरह से 1 या 2 मिनट के लिए बस पकने देना है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसका फ्लेम बंद कर देंगे। हमारा चटपटा तीखा सा चिकन कलेजी बनकर रेडी है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।